आप सभी को नमस्कार। आज हम एक जगह आ रखे हैं, बढ़िया सी सिल्का इसको बोलते थे बचपन में। हम जब मानसून आता था, खूब बारिश होती थी, तो यहाँ पे 2-3 महीने के लिए यहाँ पे माइग्रेट करते थे, प्रवास करते थे और यहाँ पे रहते थे। अपने जो भी खेत खलिहानों के यहाँ केयर करते थे, यहाँ पे सारा हम खीरा ककड़ी कद्दू तोरई लौकी बोते थे और 3-4 महीना यहाँ समय व्यतीत करते थे अपने सारे कैटल्स के साथ। इनको गढ़वाली भाषा में मरला बोला जाता है। आज ये देखो कितना बड़ा खेत है। आज ये खेत इतना वीरान पड़ा हुआ है, इसके नीचे कुछ खेत बो रखे हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अब इन जगहों पे नहीं आते हैं। जब बरसात के दिनों में अब नहीं आते हैं, गांव तक ही सीमित हो गए हैं या शहरों तक सीमित हो गए। यहाँ पे ये उधर तो बढ़िया सा एक घर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये घर एक खंडहर हो चुका है। यहाँ पे हमने अपने बचपन के कई साल गुजारे हैं। ये टूट चुका है पूरी तरह से, इसकी केयर मेंटेनेंस और केयर नहीं हो पाए थे, टूट गया। लेकिन ये बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे 2 कमरे थे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर 2-4 कमरे थे ऊपर नीचे मिला के, और बढ़िया सा यहाँ पे ये बांज और बुरांस का जंगल था। यहाँ पे दूर ये आपको दिख रहा होगा, पौड़ी दिखता है, पौड़ी गढ़वाल का शहर, और ये नीचे खेत है। इस खेत में आप केवल एक घास उगती है केवल चारे के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी सुंदर हवा चलती है, विहंगम दृश्य। दिल से तो एक आवाज़ आती है कि कभी न कभी इस जगह के दिन फिर वापस आएंगे। जिस तरह से ये देखो, यहाँ से माणिकनाथ की चोटी दिख रही है, हमारे वही दिन वापस आएंगे जिस तरह से यहाँ बिल्कुल बढ़िया ढंग से खूब चहल पहल हुआ करती थी। दिल से एक आवाज़ ज़रूर आती है, कभी न कभी यहाँ के दिन बहुरेंगे, दिन लौटेंगे वही दिन। और जून में भी देखो, जून में भी कितनी हवा चल रही है यहाँ पे, बढ़िया से हवा चल रही है। बांज का पेड़ है यहाँ पे, फाइकस अंजीर का पेड़ है, इस पे दूर फाइकस लगे हुए हैं, और लेकिन ये वीरान है फिर भी। लेकिन आएंगे इनके दिन, कभी तो इंसान को ये सोचने पे मजबूर होगा कि प्रकृति का जो आनंद है इन्हीं जगहों पे। बांज का घना जंगल, सुहावना बिल्कुल। जब यहाँ जुलाई में आते थे तो यहाँ पे बगल में एक गदेरा फुल भर जाता था पानी से, और फिर वहाँ से हम पानी लाते थे। यहाँ पे ये खेत हैं, ये खलिहान हैं, यहाँ पे आ रखे हैं, और ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है। बीच बीच हम यहाँ पे खेलते भी थे और इसमें खूब खेती होती थी, झंगोरा कोदा जो मोटा अनाज की खेती यहाँ पर होती थी। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।